मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं भारत की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि भारत में जो भी जीव जन्म ले रहा है वो अपने आप में ही बहुत भाग्यशाली है। सभी लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ जो भारत में अलग अलग प्रांतों में रहकर अपनी प्रांतीय भाषा का जिनको पूरा कमांड है, लेकिन इसके बाद भी वे हिंदी भाषा का सम्मान करते हैं। मुझे बहुत गौरव का अनुभव होता है कि भारतवर्ष की हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए सारे भाषा भाषी वाले लोग भी हिंदी का सम्मान करके अपनी क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आप भी जाप करते होंगे, एक माला में 108 दाने होते हैं, दाने अलग अलग लेकिन धागा सब में एक, एक ही धागा सारे दानों में से उखड़ जाता है। मैं आपके माध्यम से अपने सारे प्रिय देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए ये संदेश देना चाहता हूं कि जातियों के दाने अलग अलग हैं हमारे देश में, लेकिन मानवता का, अध्यात्म का, सत्य का, करुणा का, प्रेम का, अहिंसा का धागा ये सारी जातियों में से एक सा होकर ही गुजरता है। मत रीछो आप भूल कर भी, बाहर की सफाई पर वर्क सोने का लगा है, गोबर की मिठाई। जैन तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी के निर्माण को प्राप्त हुए तकरीबन 2700 वर्ष हो गए। भगवान महावीर स्वामी को विभिन्न तरीके से मानने वाले लगभग 156 तरह के जैन हैं। दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, बीसपंथी, परवार, मुमुक्षु आदि आदि। इन्हीं में से एक पंथ है तारण तरण जैन। यह भगवान महावीर के उपदेश को अक्षरशः पालन करते हैं। 16वीं सदी में तारण तरण पंथ की स्थापना करने वाले सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य स्वामी जी महाराज और उनके 14 सिद्धांत ग्रंथों में भरे हैं। श्रद्धे संत वसंत जी महाराज आत्मकल्याण के लिए अध्यात्म के गुण रहस्यों को प्रचार प्रसार करने के लिए गांव गांव और शहर शहर में भ्रमण कर समाज में जागरूकता लाने के लिए मात्र 16 वर्ष की उम्र से ता उम्र बाल ब्रह्मचारी रहकर धर्म पताका फहराने में लगे हुए हैं। आप सभी जैन समुदाय में पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ सुने समझे जाने वाले संत हैं। एक ऐसे संत जिन्हें जैन के अलावा हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिंधी, नानक पंथ, बौद्ध मत आदि विभिन्न धर्म के अनुयायी पूरी तन्मयता के साथ सुनने के लिए ललायत रहते हैं। ऐसे ही संत हैं वसंत महाराज, जो इतिहासकार रत्नाकार हैं, आध्यात्म रत्न हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, मानस मर्मज्ञ हैं, भजन गायक, कई शास्त्रों का संपादन एवं लेखन करने वाले, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू जैसी कई भाषाओं के जानकार, टेक्नोलॉजी के साथ कंप्यूटर पर खासी पकड़ रखने वाले संत व तमाम अनुभवों को अपने हृदय में समेटे देश के अधिकांश प्रदेशों में वर्षावास कर चुके ऐसे ही महान विभूति संत वसंत जी महाराज से आपकी खास मुलाकात कराते हैं शुभम मिश्रा के साथ।
बार स्वागत है। आज हम फिर एक व्यक्ति के साथ आपके साथ मौजूद हुए हैं। हमारा ये प्रोग्राम खास मुलाकात का ये सेकंड पार्ट है। प्रथम पार्ट में हमने आपसे आपको मिलवाया थाना प्रभारी जैक प्रदीप शुक्ला से, और हमने आपको पहले ही बताया था कि लगातार हम आपको रूबरू कराते रहेंगे नए नए इतिहासकारों के साथ। और इसी कड़ी में आज हम आ पहुँचे हैं ग्यारखपुर विद्यालय में। यहाँ पे एक महान संत की एक जो गाथा है उनके आज हम आपको परिचित कराएंगे, उनके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जैन समाज के वरिष्ठ राजेश जैन साहब। उनसे हम जानेंगे गुरुदेव के बारे में कि उनके क्या क्या इतिहास रहे, क्या उनकी जीवन रेखा की प्रणाली रही, उन सब बारे में बातों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजेश जैन साहब। उनसे अपन जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश जैन ग्यारखपुर। जैसा कि अभी भाई ने बताया कि हमारे यहाँ एक ऐसे महान संत हमारी तारस्वतन पैगम्बर जैन समाज के एक ऐसे राष्ट्रीय संत हमारे ग्यारखपुर विराजमान हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे ग्यारखपुर जैसी छोटी जगह में इतने बड़े संत विराजमान हैं। और जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतिहास रचनाकार अज्ञात वस्त्र बाल ब्रह्मचारी हैं। 1987 में आपने बाल ब्रह्मचारी की दीक्षा सेमर करी, हमारा तीर्थ स्थान जो है वहाँ से आपने करी थी। अभी तक के जीवन में आपने लगभग 40 वर्षों से अध्यात्म के प्रचार के लिए समाज के गांव-गांव जाकर के आप अध्यात्म का प्रचार कर रहे हैं। हमारे सदगुरु तारण लल्लाचार्य स्वामी जी महाराज ने क्या उपदेश दिया उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, समाज में जागृति ला रहे हैं। क्योंकि आप खुद एक युवा होने के बाद ये धार्मिक पक्ष में आए हैं, तो सारे युवाओं को भी कुछ ऐसा लगता है कि हमको ये आदर्श के रूप में है। और अभी तक का जैसा अगर कहा जाए तो हमारे सदगुरु तारण स्वामी ने 14 ग्रंथ रखे हैं, उसमें से बहुत सारे ग्रंथों की आपने रचना की संपादन किया है और बहुत सारे ग्रंथ भी आपने रचनाएँ की हैं। बहुत प्रतिभाशाली हैं। आपने तारण समाज की गांव-गांव में जो इतिहास के जितने भी हमारे विद्यालय हैं वहाँ की क्या स्थिति है, समाज की क्या स्थिति है, उस सभी की खोज करके इतिहास रचना कर काम किया है। बहुत सारी बातें हैं अगर आप उनसे जानना चाहें तो। जैसा कि 1987 में वो माने दीक्षा उन्होंने क्यों ली, इसके पीछे भी उनकी शिक्षा के समय कोई ऐसा कारण रहा है तो आप एक बार उनसे जरा माने कुछ चर्चा करें, मैं बताना चाहता हूँ। हम अब आपको मिलवाने जा रहे हैं श्री बसंत जी महाराज से। आप उनसे जानेंगे कि उनने जो युवा जैसे बाल अवस्था में जो ब्रह्मचारी का रूप धारण किया उसके पीछे क्या राज है, और क्या उनने ग्रंथ में अपने जैन समाज को ऊपर ले जाने के लिए क्या क्या उनने काम किए उस बारे में हम जानेंगे। आपका स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं सबसे प्रथम आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो दीक्षा रही वो आपने वैराग्य धारण कैसे किया और किस अवस्था में किया। शुभम जी, आपने समय उचित जिज्ञासा रखी है। एक तो बचपन से ही मुझे धर्म के क्षेत्र में आने की भावनाएं जीवंत रहीं, और सबसे बड़ा योगदान मुझे यहाँ तक लाने में जिनका विशिष्ट श्रेय रहा मेरे गुरुदेव परम पूज्य अध्यात्म शिरोमणि ज्ञानानंद जी महाराज, जिनका बचपन से मुझे सानिध्य मिला। मेरी रुचि को उन्होंने देखा होगा, उन्होंने मुझे धीरे धीरे करके स्वाध्याय से अध्ययन से जोड़ा। बचपन से ही हारमोनियम बजाने की बड़ी रुचि थी और सभी तरह के मंडलों में मेरे पिताजी संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। शंकर मंडल, हनुमान मंडल, राम मंडल, जैन धर्म के महावीर मंडल और सारे ही मंडलों में उनका बड़ा सम्मान था। उन्होंने मुझे संगीत के संस्कार दिए, उनके आशीर्वाद से मैंने बहुत कुछ सीखा गाना बजाना, और ये लगन मुझे धीरे धीरे परमात्मा की ओर वृद्धिंगत करने लगी और क्रम क्रम से मुझे इस ओर आने का
सहज रुझान बन गया। फिर मैंने तय कर लिया कि मुझे सांसारिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना है, मुझे धार्मिक क्षेत्र में, समाज सेवा में, जन सेवा में और धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। इसे तो मुझे मेरे माता पिता का बहुत बहुत आशीर्वाद भी मिला, मेरे गुरुदेव की बड़ी कृपा रही जिनके आशीष से मैं यहाँ हूँ, और उनकी ही प्रेरणा से मुझे बचपन में ये दीक्षा वगैरह लेने का भी सौभाग्य मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आज आपने पूछा, मैं उनके स्मरण करके कृतज्ञ हूँ। साथी गुरुदेव, जो कहा जाता है कि मेडक के डिटेक्शन करने के कारण आपने दीक्षा धारण की, उस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। शुभम जी, मैं बायोलॉजी साइंस का विद्यार्थी था और वर्मा जी थे जिनकी मेडिकल की दुकान थी। मेरी माता जी की औषधियाँ प्रायः मैं उनसे ही लेने के लिए जाता था। उन्होंने मुझे करीब 10 दिन पहले बता दिया था कि बेटा अमुक तारीख को डिसेक्शन होना है और तुम अपनी तैयारी कर लेना। मैंने उनके आदेश के अनुसार कुछ तैयारी करने का प्रयास किया, लेकिन जिस मित्र को मैंने डिसेक्शन बॉक्स लाने के लिए व्यवस्था बनाई थी, वो मित्र डिसेक्शन बॉक्स लाना भूल गया। भोपाल से सारी सामग्री मंगानी पड़ती थी, और ये मेरी होनहार कहिए, परमात्मा की खुश कृपा कहिए, गुरु का आशीष कहिए, उसी दूसरे दिन से एक हमारे समाज में बहुत बड़े विद्वान थे पंडित रोशन लाल जी गोयल, उनका आना हुआ। उनने शिविर लगाया और सबसे पहले उन्होंने हिंसा के भेद बतलाए, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा। तब तक मैं डिसेक्शन के लिए 4 मेंढक को पकड़ के लाया था कि टाइम पर मिले नहीं मिले, अब पहली बार का मौका था। तो मैंने अपनी सारी तैयारियाँ कर ली थी, और जैसे ही उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की परमात्मा में प्रीति है, जो व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, ऐसा व्यक्ति संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करता, तो मेरे मन में एकदम बिजली सी कौंध गई कि मैं 8 दिन बाद मेंढक का डिसेक्शन करने जा रहा हूँ, तो ये तो संकल्प पूर्वक हिंसा हो गई। और फिर वर्मा जी ने मुझे ये भी बताया था कि डिसेक्शन करने के बाद वो मेंढक जीवित नहीं रहता, हर हालत में प्राणांत उसका हो ही जाता है। तो मन में एकदम ऐसा लगा कि भगवान महावीर भी अहिंसा की बात कर रहे हैं। संत तुलसीदास जी ने, हम जब रामायण का अध्ययन करते थे, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अग्नगिरीसा, ऐसी सारी चौपाइयाँ कंठ में बैठी रहें। और गुरु जी ने जो मुझे स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया, उसमें भी मैंने देखा कि बौद्ध धर्म में भी अहिंसा के सिद्धांत हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अहिंसा के आधार पर बहुत सारी बातें बतलाई, महाभारत में अहिंसा को परम धर्म कहा। सर्वत्र मैंने अहिंसा की परिस्थितियों को मेरे गुरुदेव से और ज्ञानी जनों से सीखा। उससे फिर मैंने तय किया कि अब ऐसी लाइन पर नहीं जाना, ऐसे कुछ काम करो जिससे जनता की सेवा अपन किसी और रूप में कर सकें, उनकी अंतरात्मा को जगाने का प्रयास कर सकें। भारतीय संस्कृति की हमारी जो अध्यात्म विद्या है, उसे हम जन जन के पास तक पहुँचाएँ। इस लक्ष्य से शुभम जी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी और वो डिसेक्शन मुझे इस मार्ग में आने में निमित्त बन गया। तो लगभग आपने कितनी वर्ष की आयु में वैराग्य धारण किया? शुभम जी, मेरी उस समय उम्र थी लगभग 16 वर्ष के आसपास। 1980 में मैंने घर छोड़ दिया था, 79 लास्ट, 80 शुरू हो रहा था, और मैंने घर का त्याग कर दिया था। घर त्यागने के साथ ही हमारा एक बड़ा तीर्थ क्षेत्र है निसईजी मल्हारगढ़, उस समय वो जिला गुना में पड़ता था। अब जो जिलों का विकास हुआ और अपना जिला अशोकनगर बन गया, अब वो तीर्थ अशोकनगर ज़िले में आ गया। तो सबसे पहले मुझे वहाँ लगभग 6.5 माह तक हमारे दादा गुरु थे धर्म दिवाकर परम पूज्य ब्रह्मचारी गुलाब चंद जी महाराज, उनके सानिध्य में रहकर मैंने बहुत सारी बातें सीखी। उन्होंने मुझे सिखाया, पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो वहाँ रहकर मैंने बहुत कुछ अध्ययन किया, संस्कृत के ग्रंथ सीखे, प्राकृत की ग्रंथ की गाथाएं सीखीं,
बहुत कुछ अध्ययन किया, धीरे धीरे करके वो लगन मेरी बढ़ती चली गई। और उसी 6.5 माह के बाद मैंने वहीं जो तारण समाज की आमनाए में या जैन दर्शन की परंपरा में ब्रह्मचर्य व्रत होता है, क्योंकि मैं अविवाहित हूँ, मैंने विवाह का कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था, माता पिता का आशीर्वाद रहा, तो बाल ब्रह्मचर्य का व्रत मैंने उसी समय ले लिया था। फिर धीरे धीरे गुरुदेव के मार्गदर्शन में मैंने साधना की और 5 फरवरी 1987 को सेमरखेड़ी जी में मैंने ब्रह्मचर्य प्रतिमा की दीक्षा धारण की। ऐसे धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा हूँ इस मार्ग में आने की और आगे बढ़ने की। और साथ ही कहा जाता है कि आपकी जो शिक्षा है वो हाई स्कूल तक है। हाँ, इसके अलावा भी आप 4 भाषाओं की ज्ञाता हैं, बाकी कंप्यूटर और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो आप उस चीज़ क्षेत्र में भी काफ़ी माने जाते हैं, तो इस बारे में क्या क्या रहा है साथ? शुभम भाई, ये कुछ पूर्व का ज्ञान का संस्कार है, कुछ गुरु कृपा है। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं भारत की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि भारत में जो भी जीव जन्म ले रहा है वो अपने आप में ही बहुत भाग्यशाली है। मुझे याद है ऋषिकेश में एक बार मैं ऐसे ही यात्रा पर गया था, इटली से कुछ लोग आए थे, कोई ग्रुप था 70-80 लोगों का, तो मैंने सहज उनसे एक बार पूछ लिया कि आप प्रतिवर्ष भारत आते हैं, आपको यहाँ आकर कैसा लगता है? तो उनमें जो मुख्य व्यक्ति था उसने मुझे जवाब दिया कि जैसे ही हम भारत की भूमि पर पैर रखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए। तो ये भारत भूमि महान है, यहाँ जन्म होना ही एक बहुत बड़े भाग्य की बात है। मुझे यहाँ जन्म मिला, ये मेरा सौभाग्य है। जिस तरीके से भारत भूमि में मध्य प्रांत में एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, धीरे धीरे करके अध्ययन का क्रम बढ़ा, पिताजी बरेली आकर रहने लगे, मेरी शिक्षा स्थली बरेली है, जिला रायसेन में। बहुत छोटी सी उम्र से मेरे पिताजी बरेली आ गए थे और वहीं रहकर मुझे अध्ययन करने का सौभाग्य मिला। 9th-10th मैंने बेगमगंज से कंप्लीट किया, चूँकि 11वीं पूरी तरह से पास नहीं कर पाया और अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले ही ये डिसेक्शन वगैरह का योग बना और मैं इस रास्ते पे आया। लेकिन लगन अध्ययन की, हर तरीके की चीज़ जानने की बचपन से ही थी, तो धीरे धीरे करके मैंने संस्कृत का अध्ययन किया। बीना में 2 वर्ष रहा, मेरे गुरुदेव आज समाधिस्थ हो गए हैं, परम आदरणीय गोस्वामी जानकी प्रसाद जी शास्त्री, उन्होंने मुझे पाणिनीय सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कराया, महासिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कराया। ऐसे करते करते धीरे धीरे मैंने फिर अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, गुजराती, जिस प्रांत में मैं भ्रमण करता था 2-4-6 माह उस प्रांत में रहता था और अपने आप ही उस प्रांत की भाषा मेरे भीतर पता नहीं कैसे आत्मसात सी होती चली जाती थी। अब ये मुझे भी पता नहीं है कि मैं इतने जल्दी कैसे सीख जाता था। बंगाल गया, करीब 1.5 वर्ष वहाँ रहा, बंगाली भाषा अपने आप आ गई, पढ़ना आने लगा, बोलना आने लगा। गुजरात में रहा, गुजराती भाषा आने लगी। महाराष्ट्र में रहा, मराठी भाषा आने लगी। जिस प्रांत में भी मैं गया, चूँकि मेरे गुरुदेव का उद्देश्य था कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी प्रांत नहीं छोड़ना है जहाँ मैं ना जा सकूँ, सारे ही प्रांतों में उन्हें मुझे भेजा भ्रमण के लिए, कुछ सीखने के लिए। और इस बहाने मुझे मार्ग में बहुत अच्छे अच्छे योगी जनों का, साधु संतों का सानिध्य भी मिला, उनसे भी मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। एक बार तो शुभम जी ऐसी स्थिति थी कि एक संत का सानिध्य मुझे मिला और मैंने देखा कि वो संत कुछ भी नहीं जानते थे, बिना पढ़े लिखे। उनने बताया कि मैंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, मैं स्कूल नहीं गया, लेकिन उनके भीतर से ऐसी आत्मचेतना की स्फुरणाएँ प्रकट होती थीं, ऐसी उनकी वाणी पवित्रता से निकलती थी कि अच्छे अच्छे ज्ञानी भी उनके आगे फैल हो जाए। ऐसा मुझे बड़े विशेष संतों का भी सानिध्य मिला, जिनसे मुझे ये भी समझ में आया कि भाषा सीखना ही मात्र कार्यकारी नहीं है, जीवन के अनुभव बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि बुद्धि का ज्ञान अलग होता है और अनुभव का ज्ञान अलग होता है।
हमारी भारतीय संस्कृति हमें एक ओर जहाँ बौद्धिक शिक्षा देती है, वहीं दूसरी ओर अनुभव परक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा भी प्रदान करती है। तो शुभम भाई, इस तरीके से मुझे सानिध्य मिलते गए और मैंने कुछ भाषाओं को सीखने का प्रयास किया और गुरु कृपा से, आप सबके स्नेह से, उन भाषाओं में मुझे थोड़ी सी पैठ भी हुई है। और बड़ा आनंद आता है मुझे जब सब तरह की भाषाओं का अध्ययन करता हूँ और उस तरीके का ज्ञान होता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में मुख्य भाषा तो देखिए हिंदी है। हिंदी मातृभाषा है और उस मातृभाषा का ही हम सम्मान करते हैं। चूँकि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा भाषी लोग निवास करते हैं, तो उनके हिसाब से हमें उस भाषा का उपयोग वहाँ आवश्यक हो जाता है। चूँकि बेबी हिंदी भाषा भाषी लोगों का बहुत सम्मान करते हैं और स्वयं भी हिंदी सीखने के प्रति लालायित रहते हैं, उत्कंठित रहते हैं, मैं उन सभी लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ जो भारत में अलग अलग प्रांतों में रहकर अपनी प्रांतीय भाषा का जिनको पूरा कमांड है, लेकिन इसके बाद भी वे हिंदी भाषा का सम्मान करते हैं। मुझे बहुत गौरव का अनुभव होता है कि भारतवर्ष की हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए सारे भाषा भाषी वाले लोग भी हिंदी का सम्मान करके अपनी क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। इस तरह से मुझे उन भाषाओं का बोध हुआ और धीरे धीरे अभ्यास करते रहता हूँ, उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने में आती हैं। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृहीत, मन को वश में करने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अभ्यास और वैराग्य से ये मन वश में किया जा सकता है। तो अभ्यास किसी भी चीज़ का हो, हम जप कर रहे हैं उसका भी अभ्यास हो, आप पूजा पाठ करते हैं उसमें भी चित्त की स्थिरता से अभ्यास हो, आप अध्ययन कर रहे हैं, स्कूल का अध्ययन कर रहे हैं या धार्मिक अध्ययन कर रहे हैं, किसी संत का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से चित्त की स्थिरता पूर्वक अभ्यास होना चाहिए। तो इससे हमारी बहुत सारी ऐसी अनसुलझी गुत्थियाँ भी सहज सुलझ जाती हैं और भाषाओं का ज्ञान का ये विकास, फिर सारी चीज़ें सहज ही सीखने में आने लगती हैं। साथ ही जो कहा जाता है कि तारण दिगंबर जैन समाज के अलावा आपके जो बाकी धर्म हैं उनके भी धर्माचार आपके सामने नतमस्तक हुए, ऐसा सुनने में आता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरी बहुत छोटी उम्र रही और मेरी छोटी सी उम्र के होने के बावजूद भी बड़े बड़े संतों का मेरे प्रति लगाव और झुकाव रहा। नतमस्तक तो मैं नहीं कहना चाहता और मैं सबका सम्मान करता हूँ, और मेरे से उम्र में कोई भी बड़ा है वो मेरे सम्माननीय है। मैं बहुत विनम्रता से सभी संतों का सानिध्य चाहता हूँ और चाहा है और चाहता रहूँगा, क्योंकि मुझे सीखना है। मुझे पता है कि विद्या ददाति विनयम् विनयादियाति पात्रताम्, बचपन से ही मैंने इन सूत्रों का अभ्यास किया है। और हमारे गुरुदेव तारण स्वामी ने लिखा है, विनयो मुखद्वारम्, विनय मोक्ष का द्वार है। तो व्यक्ति को विनम्रता पूर्वक ही कुछ सीखने की भावना रखनी चाहिए, विनय ही सिखाती है। मैं आपसे छोटी सी बात कहूँ कि जैसे हम समुद्र के किनारे जाएं और अगर हमारी गगरी को हम लेकर खड़े रहें और समुद्र से कहें कि तुम हमारी गागर में आ जाओ, तो समुद्र हमारी गागर में नहीं आए। लेकिन हम अगर झुक जाएंगे और अपनी गागर को भी झुका देंगे तो पूरा सागर हमारी गागर में भर जाएगा। तो ये हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है, कुछ लेना है तो विनम्रता बहुत जरूरी। मेरे गुरुदेव का मुझे आदेश था कि भारतवर्ष में भ्रमण करने के दौरान मुझे हर जगह सर्वधर्म संभाव की सभाएं लेनी, और सर्वधर्म संभाव की सभाओं में छोटी सी प्रेरणा से, छोटे से आग्रह से बड़े बड़े संत मेरे मंच पर पधारते थे।
बड़े बड़े शंकराचार्य महाराज, सरस्वती महाराज, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आपके नानक धर्म की परंपरा को मानने वाले ग्रंथी जी, कुरान को मानने वाले बहुत बड़े बड़े मौलाना, और भागवत गीता मानस के मर्मज्ञ ब्राह्मण विद्वान या अन्य समाज के भी जो ज्ञाता थे, वे सब एक छोटे से आग्रह पर मंच पर पधारते थे और हमारा मंच सर्व धर्म संभाव के फूलों से सज जाता था। ऐसे लगता था कि ये बगिया बन गई, और तब मैं ये कहता था कि ये सब एक गुलदस्ते के फूल हैं और ना मालूम कौन सा फूल किसे भाजा। बड़ा अच्छा लगता था। मिर्जापुर में एक बार स्वामी केशवानंद जी महाराज मेरे मंच पर पधारे। उन्होंने एक बड़ा अजूबा सा प्रश्न पूछ लिया जब मैंने ये कहा कि मन ही मनुष्य को बंध और मोक्ष में कारण है। तो केशवानंद जी महाराज कुछ छोटा सा केसियो लेके आए थे, बजाते थे, वो गाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज आप केसियो बजाते हैं, इसमें ताला डालते हैं, आपके हाथ में चाबी भी है। बोले हाँ चाबी है। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रभु मुझे ये बताएं कि घर में या आपके केसियो में या आश्रम में जो आप ताला डालते हैं उसमें ताला लगाने की चाबी अलग रहती होगी और बंद करने की चाबी अलग रहती होगी। तो हंसने लगे स्वामी केशवानंद जी, बोले ऐसा कैसे कहते हैं आप, ये तो होते ही नहीं है, चाबी एक है। तो मैंने कहा चाबी एक है और दो विपरीत दिशा के कार्य उससे हो रहे हैं। तो उनने कहा कि एक ही चाबी से दोनों कार्य होते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि स्वामी जी एक ही चाबी से दो विपरीत कार्य हो रहे हैं लेकिन उनकी दिशा अलग है, जब आप उसे अपनी तरफ घुमाते हैं तो ताला बंद हो जाता है और जब अपने से बाहर की तरफ घुमाते हैं तो ताला खुल जाता है। इसी तरह अपना मन है, इसे हम परमात्मा की तरफ घुमा देंगे हमारा संसार का ताला बंद हो जाएगा, और जब हम इसे माया की तरफ घुमा देंगे तो संसार का ताला खुल जाएगा। ऐसे बड़े बड़े संतों से मुझे बड़ा सानिध्य रहा, और देश में हर प्रांत में गांव गांव शहर शहर में सर्वधर्म संभाव की सभाओं ने सुमन जी धूम मचा दी, और एक मानवीयता का आधार हमने बनाकर रखा था। उसका परिणाम ये था कि हिंदू मुस्लिम समाज के भी अगर कहीं कोई ऐसे संत मिलते थे तो वे भी बेहिचक अपनी बात रखते थे। सामाजिक बुराइयों के प्रति भी इन संतों ने बहुत बड़े बड़े प्रहार किए। वे हिंदू थे, मुस्लिम थे, बौद्ध थे, सिख थे या जैन धर्म से संबंधित थे, जिस जिस समाज से संबंधित संत जिनको मैंने बड़े अनुराग भाव से आमंत्रित किया, उन्होंने मानवीयता के जागरण में बड़ा सहयोग दिया। और आज आपने सालों बाद ये प्रश्न पूछा है, मुझे याद है कि संभवतः 2002 के आसपास तिवारी जी थे, अवधेश जी तिवारी छिंदवाड़ा, उन्होंने महावीर जयंती के समय पर मेरा इंटरव्यू लिया था और ये सर्वधर्म संभाव से संबंधित इस जाति का प्रश्न उन्होंने पूछा था। तब से बात आज हो गई। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शुभम भाई, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। तो सर्वधर्म संभाव में हमने ये देखा कि मानवता की ही मुख्यता रहती थी हमारे मंचों पर और उसी को हमने बढ़ावा दिया। आज भी हम मानवीयता के पक्ष में रहते हैं क्योंकि हमारा सिद्धांत है किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति हमें एक ओर पर एक छोर पर मानवीयता का पाठ पढ़ाती है तो दूसरी ओर भक्ति और अध्यात्म का पाठ पढ़ाती है। हमारे भारतवर्ष में निवास कर रहे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में भक्ति, ज्ञान, संभाव, समता, अध्यात्म और मानवता, इन सारी चीजों का बैलेंस बनाकर चलने की आवश्यकता है। हम इंसान हैं, बुद्धिमान प्राणी हैं और बुद्धिमान होने के नाते हमें इन सारी चीजों में बैलेंस बनाने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सुमन भाई ने जो एक जिज्ञासा रखी है वे अपने माध्यम से ये संदेश सारे जनमानस के पास तक पहुंचाना चाहते हैं कि आज भी हमने धर्मों को जिन जातियों में बांट रखा है, जाति धर्म नहीं होती, जाति केवल आचार विचारों की एक सीमा होती है। जिन व्यक्तियों का एक सा आचार होता है, एक से विचार होते हैं, कुछ खान पान होता है, वो वर्ग एक जाति के रूप में स्थापित हो जाता है। आज देश भर में इस प्रकार की अनेकों जातियां हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए शुभम भाई, बता दूं, बात ऐसी है, एक माला है,
आप भी जाप करते होंगे, एक माला में 108 दाने होते हैं, दाने अलग अलग लेकिन धागा सब में एक, एक ही धागा सारे दानों में से उखड़ जाता है। मैं आपके माध्यम से अपने सारे प्रिय देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए ये संदेश देना चाहता हूं कि जातियों के दाने अलग अलग हैं हमारे देश में, लेकिन मानवता का, अध्यात्म का, सत्य का, करुणा का, प्रेम का, अहिंसा का धागा ये सारी जातियों में से एक सा होकर ही गुजरता है और वही सर्वधर्म संभव की नींव के रूप में साबित होता है। यहाँ बजरंग शरण जी के कार्यक्रम होते रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही बजरंग शरण जी यहाँ पधारे थे, वासुदा के पास उनका कहीं कार्यक्रम चल रहा था, उस समय भी यहाँ खाने के पीछे ग्राउंड में प्रोग्राम था। मैंने उस समय भी अपनी सारी बात ग्यारसपुर के सारे नगर निवासियों के बीच रखी थी और ये तो मेरा सौभाग्य है कि ग्यारसपुर के सारे नवयुवकों का, ग्यारसपुर में निवास कर रहे हर समाज के लोगों का मेरे प्रति बड़ा प्रेम, मेरा सौभाग्य है ग्यारसपुर के सभी नगरवासियों ने मुझे इतनी आत्मीयता से अपनापन दिया है, इस बात के लिए मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। और इन्हीं सारी भावनाओं को लेकर शुभम भाई हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं कि धर्म सबके लिए कल्याणकारी है और आज धर्म के प्रति जो कट्टरता और अविश्वास, रूढ़ियां और तरह तरह की बातें लोगों के मन में जागती हैं, इन सारी बातों को हमें समाप्त करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म की जो गरिमा है, धर्म की जो मर्यादा है, हमारे गुरुदेव नारायण स्वामी ने लिखा था, गुणों में आचरण करना ही धर्म का आचरण है, दुर्गुणों में आचरण करना अधर्म का आचरण है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने सारे मित्रों, अपने सारे श्रोताओं ये संदेश उनके पास तक पहुंचाएं कि दुर्गुणों से हर व्यक्ति का बचाव होना चाहिए, दुर्गुण सभी को त्याग करना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति में कोई दुर्गुण है, निश्चित रूप से वह आपके जीवन के पतन का कारण बनेगा और जो लोग आपका संग करेंगे उनके भी पतन में साधन बनेगा। गुणों से ही व्यक्ति ऊपर उठता है, दुर्गुणों से हमेशा पतन होता है। इसलिए सर्वधर्म संभाव की यही आधारशिला है कि हर व्यक्ति सद्गुणों को अपनाए, गुणों में आचरण करे, बुराइयों का त्याग करे, दुर्गुणों का त्याग करे। बस हम सर्वधर्म संभाव की महिमा गाएंगे और मानवता की जय जयकार। युवा पीढ़ी से मेरी बहुत अपेक्षाएं हैं, भारतवर्ष के संवर्धन, उत्थान और विकास और हमारी संस्कृति के जितने भी ऊपर उठने के साधन हैं इन सब में युवा पीढ़ी से ही मुझे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। और मैं जगह जगह युवकों से जुड़ता भी हूँ, युवकों का भी मेरे प्रति रुझान रहता है। इस संबंध में मुझे ये कहना है कि युवा पीढ़ी एक सन्मार्ग से हटकर कोई ऐसी आकर्षक चीज देखती है और उसके प्रति आकर्षित हो जाती है, ये भूल जाता है हमारा भाई कि इस मार्ग पर मैं जाऊंगा तो परिणाम क्या निकलेगा। और एक बात मैं आपसे कह दूं, मत रीछो आप भूल कर भी बाहर की सफाई पर वर्क सोने का लगा है, गोबर की मिठाई। तो जहां हमारा आकर्षण हो रहा है वहां हम देख लें कि कहीं माया का छल तो नहीं है, कहीं धोखा तो नहीं है, हम किसी बुराई को अच्छाई के रूप में ग्रहण करने का मन बनाकर तो नहीं चल रहे। क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप के होश को खो देता है तभी किसी ऐसे गलत मार्ग पर जाता है। युवा पीढ़ी में संस्कार आवश्यक है, मोबाइल के माध्यम से जो जो भी आज युवा पीढ़ी में संस्कार पनप रहे हैं, जो बुराइयां आ रही हैं उन पर ब्रेक लगना चाहिए। इसके अलावा जिन जिन व्यसनों के माध्यम से
मेरे युवा साथी किसी गलत मार्ग का चयन करते हैं, उन चीजों पर भी विराम लगना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवारों में, हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने की शिक्षाएं दी, अच्छे संस्कार दिए हैं, आप सबको नेक संस्कारों से सुसज्जित किया है, उन संस्कारों का बोध रखें और सारी युवा पीढ़ी सन्मार्ग पर चले, संस्कारवान हो, बुराइयों से स्वयं बचे और देश के उत्थान में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। सृजनात्मक तरीके से युवा पीढ़ी अगर काम संभालती है, समाज के विकास का, नगर के विकास का, देश के उत्थान का, संवर्धन का, तो निश्चित रूप से, चूंकि युवा ऊर्जावान होता है, सुगम है, आज युवा के पास बड़ी ताकत है। अगर वैज्ञानिक आविष्कार और ये सारी चीजें भी अगर एक युवा के हाथ में है, तो निश्चित रूप से वो बहुत बुद्धिमानी से इनका उपयोग करना चाहता है, और बुद्धिमानी से उपयोग करके क्यों ना हम अपनी ऊर्जा को समाज के उत्थान में, सामाजिक सृजन में, अच्छाइयों के विकास में और युवकों के उत्थान में ही क्यों ना उसका उपयोग करें। तो मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी उन सारी विपरीतताओं से बचकर अपनी ऊर्जा का सदुपयोग सृजन में करें, सकारात्मक शक्ति को जगाकर सबके हित में आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी अपने नगर, ग्राम और देश के उत्थान में बहुत बड़ी सहायक होगी। मैं मेरे सभी प्यारे प्यारे युवा साथियों के लिए आह्वान करना चाहता हूं, आप आए आगे अपने नगर के विकास में, मानवता के जागरण में, देश के संरक्षण में, भारतीय संस्कृति के उत्थान में आपकी आज महती आवश्यकता है, अपनी शक्ति का उपयोग सबके हित में करें, ऐसी मेरी भावना है।